शास्त्रीय संगीत व्यक्ति के मन मानस में सुरों की तलाश की तरह है। सुरों की ऐसी ही एक अनुगामिनी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको हम शास्त्रीय संगीत की साधिका कहें, दर्शकों का अपने संगीत से दिल जीतने वाली महारानी कहें, या फिर प्रकांड पंडित कहें संगीत की, हमारे साथ आज श्रीमती शोभा चौधरी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो संगीत आप फिजा में बिखेर देती हैं, वो संगीत कहीं ना कहीं दिलों को छूता है और सुकून का कारण बन जाता है। शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ाव, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका कैसे हुआ? छोटी थी, शास्त्रीय संगीत शब्द मालूम नहीं था, बस गाना अच्छा लगता था। और घर में एक रेडियो था, रेडियो में जब भी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई गीत आते थे तो मैं दौड़ी चली जाती थी और रेडियो को कान लगाकर सुनती थी। और उसमें खास करके जहाँ आलापी या जहाँ ताने होती थी वो मुझे बड़ी आकर्षित करती थी। कालांतर से सारे गम पधनी ये जो शब्द कान पर आए, तब क्यूरियोसिटी हुई क्या है ये। पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा शास्त्रीय संगीत के सुर है, जब तक इसका अभ्यास नहीं होता हम कोई गाना नहीं गा सकते, कोई अच्छा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सुरों का अभ्यास। हमारे कैंपस में ही एक संगीत की स्कूल शुरू हुई और मेरा सीखने का वहाँ सिलसिला शुरू हो गया। आज की तारीख में आप इसे भाग्य कह रही हैं, लेकिन अगर आपकी बीती ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो आपने अपने कर्म से अपना भाग्य बनाया है। जी, क्योंकि महाराष्ट्र के वर्धा में जहाँ जन्म हुआ, जी, पिता का कहीं संगीत में इतनी रुचि का न होना और माता का खाना बनाते बनाते भजन गा देना, या एक बच्चे के लिए वो कैसे शास्त्रीय संगीत के रास्ते पर चलने का कारण बन सकता है? पिताजी और माताजी दोनों छोटे गांव से ही थे, वर्धा में आए थे, वो भी छोटे गांव से आए थे। संगीत की रुचि उनमें कैसी आई ये तो मुझे मालूम नहीं। मम्मी तो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका भी रुझान मुझे लगता है तब जब हम लोगों को वो भजन, मराठी भजन गाकर छोटे छोटे स्टेज पर बाहर भेज दिया करती थी कि कैंपस में कार्यक्रम हो रहा है तो आप वहाँ जाके एक गीत गा दो, एक भजन गा दो। बहुत प्रोत्साहित होते थे, बहुत प्रोत्साहन मिलता था। अच्छे भजन अच्छा गाया इसलिए पुरस्कार भी मिलता था। और धीरे धीरे यही लोगों से जो हमें प्रोत्साहन मिला, कहीं ना कहीं वो भी एक उसका कारण रहा कि हमें तो अच्छा लगता ही है, लोग भी तारीफ़ करते हैं, तो ये सिलसिला फिर सीखने का। तो स्कूल में मैं जाने लगी और मेरा गाने का सीखने का सिलसिला वहीं से शुरू होता। लेकिन वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मंच साझा कर लेना, हाँ, ये अनुभव कैसा रहता है? पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ही मेरा आश्चर्य होता है। मैं देखती हूँ कि मैं कौन से घर में थी, कैसा वातावरण था घर में, पेरेंटल वैसे तो फैमिली बैकग्राउंड गाने का कुछ भी नहीं था, बस एक शौकिया मम्मी पापा गाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। सीखते सीखते एक ऐसा क्षण आया, संगीत विशारद बीएससी सेकंड ईयर में मैंने वो पास की। और उस समय एक वर्धा में कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का एक बाहर से आर्टिस्ट आए थे उनका हुआ, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत की एक पहली महफिल ऐसी है, वो सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है और यही करना है। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। वहाँ से मुझे मेरी एक जिज्ञासा जागृति, एक जुनून चढ़ गया कि मुझे करना तो है, लेकिन अब घर का वातावरण, कहाँ सीखने जाना है, कैसे करना है, इतने अच्छे लेवल पर कौन मुझे सिखाएगा। छोटा सा शहर था वर्धा में, वर्धा में जो लोग बाहर जाकर सीख कर आते थे हमारे फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों से मैं जाकर कहती थी कि थोड़ा मुझे सिखाइए ना, तो कहते कि नहीं हम अभी परफेक्ट नहीं हुए, हम नहीं आपको बता सकते, हम ही अगर गलत हो और तुम भी गलत गाओगी तो ठीक नहीं है। इसलिए वो जिज्ञासा वैसी ही कि नहीं मुझे सीखना है लेकिन सिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर आपका परफेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल, और जो लोग इस संगीत को साधते हैं वो इसकी अहमियत को महसूस भी करते हैं। आपने इतने समय तक शिक्षा ली, आप कब जाकर के महसूस कर पाएं कि नहीं अब मैं स्टेज पर परफॉर्म करने लायक हो गई हूँ? संगीत की शिक्षा पूर्ण तो होती ही नहीं, पूर्णता नहीं आती है उसमें। आज भी मुझे लगता है मैं अधूरी हूँ,
क्योंकि ये सागर है, अभी कुछ बूंदे ही हाथ में आई हैं ऐसा लगता है, बहुत कुछ करना बाकी है और ये जन्म भी पूरा नहीं होगा उसके लिए, अगला जन्म मालूम नहीं कहाँ होता है, लेकिन आज भी नहीं लगता मुझे कि मैं पूर्णतः एक कलाकार हूँ, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया अगर जारी रहेगी तो ही मैं कुछ हासिल कर पाऊँगी, अगर मैं अपने आप को पूर्ण समझूंगी तो यहाँ मेरा खेल खत्म। तकरीबन 5 दशक हो गए हैं आपको संगीत की साधना करते बिल्कुल हुए, और अगर आज की तारीख में भी ये कहा जाता है तो ये वाकई प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि जब तक ज्ञान की लालसा आपके अंदर है आप विकासशील रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हम आज सवेरे कार्यक्रम में अक्सर एक सेगमेंट लेते हैं, सुबह का समय होता है तो अपने दर्शकों तक हम संगीत की जो सुरीली ताने हैं वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आज का राग हम लेते हैं, तो आज आप साक्षात हमारे बीच मौजूद हैं तो क्यों ना आज का राग आपके मुखारविंद से ही सुना जाए। जी बिल्कुल, मैं आज राग बैरागी भैरव सुनाती हूँ। बैरागी भैरव में मेरे गुरुजी पंडित सी आर व्यास जी की एक बंदिश है, बहुत सुंदर है, वो बंदिश मैं आज आपको सुनाती हूँ। शोभा जी, शास्त्रीय संगीत को साधना जितना मुश्किल है या जितना प्रिय है उसे सुनना भी एक कलाकार के बस की ही बात है, क्योंकि यदि श्रोता अपने आप को अर्पित नहीं करेगा तो वो रस पान नहीं कर पाएगा शास्त्रीय संगीत का, कितना सही मानती हैं आप इसे? बिल्कुल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये कि श्रोताओं ने अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाया और सुनने में इंटरेस्ट दिखाया, श्रोता अगर सुनने आए तो कलाकारों का उत्साहवर्धन होता है। और कई बार महफिलों में ऐसे श्रोता बैठे होते हैं जो जानकार भी होते हैं, कलाकार तो होते ही हैं सुनने वाले, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं कि जो जानकार होते हैं कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते, सिर्फ आनंद लेने आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं कि सिर्फ कि हम तो क्लासिकल की महफिल सुनने जा रहे हैं, एक प्रेस्टीज। लेकिन जो श्रोता इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं,
तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कलाकार को, और उनका ये हमारे गाने में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने देश में कितने नामचीन सम्मेलनों में शिरकत की है जी। ऐसे में कोई ऐसा यादगार नया श्रोता जिसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान ना हो और वो आपके कार्यक्रम में आया हो, कुछ ऐसी यादगार बात? एक श्रोता है इंदौर में, मैं हमेशा हर महफिल में उनको देखती हूँ। अच्छा। सिर्फ मेरी ही नहीं, बस उन्हें मालूम होना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत की कहीं महफिल है तो तुरंत वो साइकिल से पहुँचते हैं वहाँ पर। अच्छा। और पूरी महफिल बैठ के आनंद लेते हैं उसका, और उसका सिर्फ आनंद नहीं लेते, उसकी चिकित्सा भी करते हैं। वो गाना सीखे नहीं हैं ना वाद्य बजाना सीखे हैं शास्त्रीय संगीत, लेकिन सुन सुन के ही उनके कान इतने पक गए हैं कि वो बताते हैं कि वो बड़ा अच्छा गा के गया, वो बड़ा अच्छा बजा के गया। तो कभी हम जा नहीं पाए तो सारी रिपोर्ट हमें उनसे मिलती है, क्योंकि वो हर महफिल अटेंड करते हैं। वो श्रोता हमारे भी महफिल में होते हैं, जब होते हैं तब लगता है कि नहीं बैठे हैं, और आज महफिल अच्छी हुई तो ठीक है, वरना चार जगह बात जाएगी कि मैडम अच्छी नहीं गाई। तो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं ग्रोथ का एक कारण भी है। बिल्कुल कारण है। ऐसे में इतनी दीवानगी श्रोताओं में देखने को शास्त्रीय संगीत के प्रति कुछ कम हो रही है, आपका क्या मानना है? शास्त्रीय संगीत के प्रति आज के यूथ की जो दीवानगी दिख रही है मुझे, कम तो नहीं हो रही है, इतना जरूर है कि पेशेंस की कमी है उनमें। वो शास्त्रीय संगीत सीखने आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होने की वजह से ज़्यादा साल ज़्यादा वर्ष वो उसी बात को लेकर काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि तुरंत मिलना चाहिए। तो पेशेंस की बात है, ये जल्दी फल देने वाली कला नहीं है। बॉलीवुड को आप कितना बड़ा मंच मानती हैं शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए? बॉलीवुड की तरफ सारे युवाओं का आकर्षण है। शास्त्रीय संगीत की बंदिश अगर कोई पिक्चराइज होती है तो उसको लोग बहुत सुनते हैं, उस कलाकार के प्रति भी उनका आकर्षण होता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बॉलीवुड की कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करे। शोभा जी, बहुत सारी अनिश्चितता होती है भविष्य में। आप आज इस मुकाम पर हैं, पर शुरुआती दिनों में नहीं पता होगा कि यहाँ तक पहुँचना है। तो कौन से ऐसे संघर्ष थे जिन्होंने आपको और तंदुरुस्ती दे दी या कहीं ना कहीं पीछे कर दिया? संगीत मैंने कभी उसको नाम के लिए सीखा ही नहीं था, वो विचार नहीं था। अच्छा लगता है इसलिए सीखना है, और अच्छा गाना आना चाहिए। मैं जो भी गा रही हूँ उसमें और क्या हो सकता है, इस विचार को प्रगल्भ करने के लिए और सीखना चाहिए। यह सीखने का जुनून इतना ज़बरदस्त था कि संघर्ष संघर्ष लगा ही नहीं मुझे। अच्छा। क्योंकि जब मालूम है, ठान ही लिया है करना है, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए करना है। बहुत खूब। इफ़ यू थिंक यू कैन डू यू कैन विन, यही एक मन में था कि ये करना है। उसके लिए मुझे जो कांटे हैं रास्ते पर बीच है, वो कांटे कभी कांटे लगे नहीं, और मैंने खूब अपेक्षा करके वो सीखा नहीं। ये नहीं कि नहीं मुझे बड़ा बनना है, मुझे उस जगह पर मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, आज भी नहीं। बस करने की प्रक्रिया मेरी जारी है, साधनारत हूँ, सिखा रही हूँ, ये सब चल रहा है, और साधना करके अपने में क्या मैं और ऐड कर सकती हूँ, मेरे गाने में क्या कर सकती हूँ, ये विचार मेरा सतत रहता है। संघर्ष उस समय था जब बच्चे छोटे थे, फैमिली में वो फैमिली बैकग्राउंड उस समय नहीं था इतना, मुझे उसके लिए भी थोड़ा संघर्ष थोड़ा करना पड़ा। जब हम एक शास्त्रीय संगीत की साधिका शोभा चौधरी की बात करते हैं तो इस मार्ग में गुरुओं का रूप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और आपके ज्ञानार्जन की यात्रा में पद्म भूषण पंडित सीआर व्यास का नाम यदि न आए तो वो अधूरा लगता है। बिल्कुल। मैंने मेरी ये जो यात्रा है संगीत की यात्रा, इसमें मैंने आपको एक मेरा टर्निंग पॉइंट बताया था, जो मैंने महफिल पहली अटेंड करी और मैंने सुना कि ये संगीत है और ऐसा गाया जाता है और मुझे अच्छा लगा, अगर ये मुझे करने को मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन भवितव्य जो है वो सब अंधकार में है, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। शादी नहीं हुई थी, घर कैसे मिलेगा,
घर के लोग कैसे मिलेंगे, संगीत करना करने देना पसंद करेंगे। लेकिन ये सारा हुआ, शादी हुई, इंदौर में आई, इंदौर में बच्चे छोटे थे, फिर भी मेरी साधना सतत जारी थी, बैंक में नौकरी थी, साधना मेरी जारी थी। और ऐसे में एक बार इंदौर के शनिश्चर जयंती संगीत समारोह में व्यास जी अपनी गायन की प्रस्तुति करने आए। तब तक मैंने सिर्फ उनकी एक कैसेट सुनी थी, मैं उनके बारे में बहुत जानती नहीं थी, लेकिन एक बंदिश उनके गुरुजी की, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित, उनकी एक बंदिश मुझे कभी हमारे गुरु ने, पहले गुरु ने सिखाई थी, माधवराव जोशी जी थे, उन्होंने सिखाई थी। और उस बंदिश का आकर्षण मुझे इतना था कि हो गुनी या न मिल गाओ बजाओ, इस तरह के शब्द मुझे एक आकर्षित करते थे। सप्त सुर न ताल सुर गुनियन, ये शब्दों पर अगर कोई बंदिशें हो तो वो मुझे आकर्षित करती थी। मैंने खोज करी कि ये बंदिश किसकी है, मालूम पड़ा पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित। जगन्नाथ बुआ पुरोहित की और बंदिशें कैसी मिलेगी, तो मालूम पड़ा पंडित सियारव्यास जी के पास है, और भी लोगों के पास होगी। लेकिन मुझे उसी दरम्यान पंडित जी आए थे वहाँ प्रोग्राम देने के लिए इंदौर में, और इंदौर में प्रोग्राम आने के देने के लिए जब आए तब मैं उनसे मिली और मैंने सीखने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने करीब मेरी 2-1 घंटे परीक्षा ली, पूछा कि सीखने आना चाहती, मतलब ऐसी ही अपना घरदार छोड़ के, बच्चे छोटे हैं, बैंक में नौकरी करती है कह रही है, और ये सारा होने के बाद तुम इंदौर से वहाँ मुंबई सीखने आओगी, मजाक तो नहीं है, तो सीरियसनेस कितना है, कितनी डेडिकेटेड है, ये भी देखना होगा उन्हें। तो उन्होंने बहुत 2-1 घंटे 1.5-2 घंटे प्रश्न पूछे रागों के ऊपर, और उनको समाधान हुआ होगा इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन कैसे करोगी, कैसे आओगी, ये सब बातें हुई। मेरा उनके घर जाना ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है अच्छा संगीत की यात्रा का, कि वहाँ जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद, पुणे, शुरू में पुणे में रहते थे, और पुणे या मुंबई जाने के बाद उन्होंने मुझे गाने की तरफ देखने का जो नज़रिया दिया, बंदिशों की तरफ, रागों की तरफ, बढ़त की तरफ, सारी बातें, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक नई बात थी। और मेरे लिए सीखने ऐसा लग रहा था कि वाह, अब मुझे पूरा सागर मिल गया है, अब मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल गया, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं कि मैं क्या करूँ, कैसी साधना करूँ। इसके पहले भी मैं पंडित वामनराव राजूकर जी के पास ग्वालियर घराने की तालीम ले रही थी, इंदौर में ही रहते थे। वो सीखने का सिलसिला मेरा चल ही रहा था, लेकिन वो एक्सपायर हुए, और उसके पहले ही मैं व्यास जी के पास मेरा जाना शुरू हुआ था। मैंने कहा भी था उन्हें, राजूरकर बाबा से, कि बाबा मैं मुंबई जाना चाहती हूँ व्यास जी के पास। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई, बोले ठीक है, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि कितना डेडिकेटेड, बहुत कुछ करना चाहती है, कुछ ऐसा दिखता है कि आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने मना नहीं किया, और व्यास जी के पास जाने के बाद मेरा जो सीखने का, और जैसे मैंने बताया कि राग की तरफ, आलापी कैसे करना है, ताने, पैटर्न, पलटे वगैरह, बहलावे सब, और खूब राग, खूब बंदिशें, उनकी खुद की परंपरागत जो चल रही है ट्रेडिशनल, वो उनके जो समकक्ष गुरु थे और भी, उन लोगों की भी बहुत दिया उन्होंने मैटर। यह आपकी जिज्ञासा ही थी, आप जी कृति से कृतिकार तक पहुंच गए जी और 9 साल आप उनके सानिध्य में भी बिल्कुल रहीं। बिल्कुल ऐसे में ठुमरी की महारानी गिरिजा देवी, वो भी मेमोरेबल मोमेंट रहा है, बिल्कुल आपने उनसे भी दीक्षा हासिल की जी। है। मैं सौभाग्यशाली समझूँ या दुर्भाग्यशाली समझूँ, सौभाग्यशाली इसलिए कि मुझे विदुषी गुर्जर देवी जी से भी सीखने को मिला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 1-1.5 साल सीखने को मिला, उनका देहांत हो गया। लेकिन जितना भी उन्होंने दिया 1-1.5 साल में, मुझे बहुत वैल्यूएबल है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो बनारस अंग की ठुमरियाँ, दादरा, चेती, कजरी, होरी, ये और कहीं सीखने को नहीं मिलता उस ढंग का। तो उसके लिए भी मैंने 2-1 साल उनके पीछे पड़ी रही। उसके बाद देखा कि वो बहुत बिजी है, बहुत कार्यक्रम देती थी अभी तक, तो बीच में बातें होती रही कि मुझे आना है, और वो कहती थी कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर आओ, और डेट दे देती और कार्यक्रम के लिए
इधर कार्यक्रम उधर कार्यक्रम निकल जाती। ऐसे में मुझे ऐसा थोड़ा लगा था कि नहीं शायद नहीं जम पाएगा, क्योंकि वो व्यस्त है, मैं भी इंदौर से कलकत्ता जाऊंगी आईटीसी में एसआरए में, तो कठिन लग रहा था थोड़ा। लेकिन भोपाल में वो गाने आई तब उन्होंने खुद ही याद किया मुझे, क्योंकि कुछ लोग इंदौर से गए थे, उनको पूछा मेरे बारे में, शोभानी आई, मैं नहीं गई थी, नहीं जा पाई थी, तो किसी ने आके मुझे बताया कि अप्पा जी आपको याद कर रही है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा बेटा तुम सीखना चाहती थी, मैंने कहा अप्पा जी आपको समय नहीं है इसलिए हम चुप बैठ गए। अच्छा उन्होंने कहा कि नहीं तुम आ जाओ अब हम आपको समय देंगे। वो फिर मेरा वहाँ पर भी जाना शुरू हुआ, दो तीन तीन एक बार ही गई, लेकिन ज़्यादा दिन रहकर सीखा। ये तो संयोग ही कहेंगे, और यहाँ बिल्कुल भाग्य ने भी आपका पूरी तरह से साथ दिया, बिल्कुल क्योंकि गिरिजा देवी जी का सानिध्य प्राप्त होना 1.5 साल भी अपने आप में कम हाँ नहीं कम है। नहीं है। अंतिम क्षणों में आप उनके साथ थी, कोई बातचीत हुई, या आज की तारीख में यदि हम बात करें उन्हें श्रद्धांजलि आप देना चाहें बिल्कुल तो ज़रूर उनकी गायकी आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी उनका जो लास्ट दिल्ली में ठुमरी फेस्टिवल में जो गाई ना, वो उस समय मैं उनके साथ तानपुरे पर थी, और उसके पहले एक 4-5 दिन मैं उनके साथ थी दिल्ली में ही। उन्होंने मुझे बुला लिया था कि हम ठुमरी फेस्टिवल में गा रहे हैं और तुम आ जाओ, और मुझे तुमसे गवाना है, तुम तानपुरे पर बैठो। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी शिष्याएं हैं ना उनकी, और अच्छा गाती है सभी। मुझे तो मेरा तो सीखना उनके पास नया ही नया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अभी तो हमें इतना आपके गायकी का इतना अभ्यास अभी हमारा हुआ ही नहीं है, और तानपुरे पर बैठ कर आप बोल रही है कि गाने के लिए आ जाइए। लेकिन मैं गई, मैंने कहा कि यही तो है, एक हर बार एक चैलेंज स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम कहेंगे कि ये तो मैं कर सकती हूँ तो ही मैं कर सकती हूँ, नहीं तो अगर मैं डरती रही तो संभव नहीं है, सबके लिए वही बात होती है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, और मेरा आखिरी मेरी मुलाकात तभी हुई थी उन, उसके पहले तो दो तीन बार मिले, लेकिन मेरी आखिरी मुलाकात वही उनसे। उसके बाद वो चली गई, बाद में तो कुछ आप जब आज उनको याद करते हैं तो क्या गा करके आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? उन्होंने एक उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, इतना दिया, तीन चार विजिट में ही उन्होंने कहा कि तुम तीन ठुमरी के, सिर्फ ठुमरी दादरा के तीन कार्यक्रम कर सकती हो अलग अलग, कोई किसी में इधर की बंदिश उधर नहीं होगी, सारी नई होगी, इतना मटेरियल तो उन्होंने मुझे दिया। एक दादरा में उनके लिए गाऊंगी, बहुत सुंदर दादरा है, हमेशा गाती थी, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी हरकतें करके लेकर सिखाती थी, याद आ रहा है सब कुछ। तो मैं एक वो दादरा आपको सुनाऊंगी। शाम तो है नजरिया
शाम तो है नजरिया लग जाएगी, शाम तो है नजरिया लग जाएगी। शोभा जी, कोई यादगार लम्हा ऐसा जो सम्मेलन के दौरान आपने जिया हो? मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर का एक वाकया है, वो मुझे याद आ रहा है। उस महाशिवरात्रि के रात्रि, महाशिवरात्रि थी और मंदिर में गाना था मुझे। उनकी कंडीशन थी कि हम रात को 9 बजे कार्यक्रम शुरू करते हैं और सुबह 9 बजे, सुबह के 6 बजे तक नॉनस्टॉप गाना होगा, आपकी तैयारी हो तो ही हाँ बोलिए, क्योंकि बीच में सुबह 3 से 3:15 काकड़ आरती, सुबह की आरती होती है, उतना ही आपको ब्रेक मिलेगा। वो मेरे लिए, मैं इतने देर गाई इसलिए यादगार नहीं है, तो उस मेरे संगीत की वो जो साधना चल रही थी भगवान के सामने, शिव जी के सामने, उसमें मुझे लगता मैं कहीं नहीं थी। मैं इतनी खो गई थी कि मुझे मालूम नहीं सुबह 6 बज गए और उजाला हो गया। तो ये बहुत, और दूसरे दिन मैं फिर तरोताज़ा बैंक में गई, सुबह इंदौर आई, बैंक में गई, बैंक से पूरी ड्यूटी करके आई, घर आई शाम को, तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं थकी हूँ, रात भर जगी हुई हूँ। तो कुछ शक्ति, ये केवल थी, जुनून है, शक्ति भी है एक, मालूम नहीं मुझसे करवाया। आज अगर मुझे कोई कहे तो मुझे फिर से डर लगेगा कि रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक मैं कैसे गाऊंगी, लेकिन उस समय वो हुआ और वो क्षण मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे मन में घर करके बैठा हुआ है कि कितना आनंद था वो। वो जो आनंद है उसकी अनुभूति मैं आज भी लेती हूँ। आप उस पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ करती हैं जब ये कहा जाता है कि यदि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो कायनात भी आपके साथ आ जाती है। और आपने संगीत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बिल्कुल। आपने शास्त्रीय संगीत के द्वारा रोग चिकित्सा, इस विषय पर भी एमफिल किया है, तो बीमारियां ठीक कर देती हैं आप? बीमारियां ठीक करने के लिए संगीत चिकित्सा नहीं है, एक्चुअली वो एक अल्टरनेटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः वो चिकित्सा है, कि अगर आपको कोई रोग हो रहा है तो आप सारी दवाइयां एलोपैथी की छोड़ दें और मैं सिर्फ गाना गाऊं और आप ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मानसिक रोगों की वजह से जो रोग हो रहे हैं, उस रोगों को कंट्रोल करने के लिए मानसिक, मतलब मन पर प्रभाव डालने वाली कुछ, प्रभाव डालने वाले कुछ राग हैं। सिंपल सा कोई सुर, अगर सुरीला बहुत अच्छा, कहीं सितार बज रही है या वायलिन भी हो रहा है या सारंगी बज रही है, बहुत सुकून दे रहा है, तो उतनी देर के लिए हमारा ध्यान लगता है, हमारा मेडिटेशन होता है। हम अगर शास्त्रीय संगीत को सुनेंगे तो शास्त्रीय संगीत को मन से सुनेंगे, कान में लगाकर सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें खो जाते हैं और ये खोना ही अपने आप में मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, ध्यान करने से मन की सारी तरंगें समाप्त होती है, मन के कंपन शांत हो जाते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर और ये आज के बेचैनी, एनेक्सिटी, ये सारी बीमारियों को जो पैदा कर रहे हैं, वहीं पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी बीमारियों का न होना कुछ हद तक हो सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, यू कैन से। तो ये मेडिटेशन सुनने भर से हो जाता है या गाने से होगा? गाने से, अगर गाते हैं बजाते हैं तो अपने आप में खोए ही रहते हैं। मैं गाती हूँ तो मैं अपने सुरों में खोई हूँ, मैं, मुझे उस समय तो दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस उस आनंद में मैं हूँ। अगर मैं गाती हूँ और आप सुन रही हैं तो आप उस आनंद में अगर आ गई तो आपके लिए भी वो मेडिटेशन है। तो गाना, खुद गाना या सुनना, दोनों बातें आपके आपके मानसिकता पर ही डिपेंड है पूरी तरह से। आपको अगर लगता है कि मुझे अच्छा लगता है गाना, पॉजिटिविटी है, तो ही हो वो सारा शक्य है। कलाकार का सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि आपकी बात करें तो आपके कंधे पर भारतीय संस्कृति को समेटने, संवारने, सजाने का दायित्व है। बिल्कुल। आप अपने आप को कितना परिपक्व और कितना सफल मानती हैं इस मार्ग पर?
शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करने का काम मेरा दो तीन प्रकार से चल रहा है। जब गुरुओं ने मुझे अच्छा दिया है तो वो समाज में बांटने का एक अच्छी धरोहर आज की जो युवा पीढ़ी मेरे पास आ रही है उन तक पहुंचाने का ये कार्य मैं कर रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी भी है कि उन तक मैं सारा पहुंचाऊं। जब मुझे मैंने इतने कष्ट से पाया है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को वो कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं सहजता से उनको दूं, क्योंकि यही हमारी आगे की पीढ़ी शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने में मदद करेगी। युवाओं को मैं पंचम निषाद संगीत संस्थान नामक हमारी संस्था है, करीब 200-250 बच्चे हैं उसमें, उन लोगों को मैं बड़े वो बॉलीवुड वगैरह के सॉन्ग करने के लिए आते हैं लेकिन उनको समझा कर कि सबसे पहले आपको शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी पड़ेगी, ये अगर तुम्हारा सही रहा सुरों का काम तो आगे का काम सही होगा, बाद में आपको जो करना है वो करिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैडम उधर नहीं, बॉलीवुड नहीं, हमें तो इसमें आनंद आ रहा है। अच्छा, तो ये जब एक भी स्टूडेंट अगर 50 में से करता है तो मेरे लिए वो एक क्रेडिटेबल है कि मैंने किसी एक को तो पकड़ा शास्त्रीय संगीत के लिए। ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, तो जिम्मेदारी तो है शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए। पंचम निषाद के बैनर तले हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बाल संगीत समारोह, युवा संगीत समारोह, प्रसंग के अनुसार कभी ठुमरी फेस्टिवल होता कर लेते हैं, कभी मल्हार हो जाता है, और जितने युवा हैं युवाओं को आगे बढ़ाने का काम मैं इस मंच के माध्यम से कर रही हूँ। कुछ स्टेबल कलाकार है, टॉप कलाकार है, सभी को मैं मंच पर इन लोगों इन बच्चों को सुनाने के लिए मैं उनको और बुलाती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ कि मेरे पंचम निषाद के बच्चे इनको ज़रूर सुने। वो बाकी के कॉन्सर्ट्स में जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे मालूम नहीं, मैं तो ढकेलती हूँ कि नहीं वहाँ फलाना अच्छा आज आर्टिस्ट आया है और उनको सुनना चाहिए, तुमने सबने जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाते नहीं जाते मालूम नहीं, लेकिन मैं जो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वहाँ कंपलसरी करती हूँ कि आपको इनको सुनने आना है। तो कहीं ना कहीं तानसेन नहीं तो कहीं कानसेन तो बन के आएंगे। आप ये जो कठिन तपस्या है न केवल गायक तैयार कर रही हैं बल्कि एक अच्छे श्रोता भी तैयार कर रहे हैं जो आगे गायकों को और ज़्यादा उत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। पर अब मैं एक महिला होने के नाते शोभा चौधरी की जीवन यात्रा को थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बातचीत में आपने बताया, बैंक की नौकरी, बच्चों का पालन पोषण, फिर एक बहू होना, एक महिला के लिए इस तरह अपने आप को अपनी रुचि को संभाल कर सहेज कर रखना, पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए कितना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे मिस्टर, मेरे ससुर जी, और उनके कारण ये सारा संभव हुआ। अगर हर बात के लिए कहीं अड़ंगे आते कहीं कि नहीं यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो बहुत मुश्किल था। हर जगह पर उनका कंधे से कंधे मिलाकर चलना, और इसी वजह से ये कुछ मैं इस क्षेत्र में आगे आ पाई, यहाँ तक आ पाई, आगे भी करने की इच्छा है, युवाओं के लिए खास करके काम करने की इच्छा है, क्योंकि आज जो क्राइम लेवल बढ़ रहा है इस क्राइम लेवल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शास्त्रीय संगीत के हाथ में बहुत है ऐसा मुझे लगता। आप देखिए शास्त्रीय संगीत गाने वाला कलाकार कहीं क्राइम में आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अपने सुरों की साधना में और अपने सुरों में ही खोया रहता है। हम लोगों को, इन युवा पीढ़ियों को शास्त्रीय संगीत से जोड़ना चाहिए। बहुत खूब, आप जो बात कह रही हैं, जब कला को आकार दे दिया जाता है तो कलाकार वही होता है जो भावुक होता है। ये हृदय के संबंध हैं और संगीत में वो ताकत है, वो न केवल टूटे दिलों को जोड़ सकती है बल्कि समाज में प्यार को भी फैला सकती है। शोभा जी, ये जो आप काम कर रही हैं ये काम समाज के उत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय धरोहर के लिए ही नहीं, तो ये काम आप आगे और करती चली जाएं और इसी तरह संगीतमय करती रहें वातावरण को, ये खूबसूरती आप बिखेरती रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुरों की मलिका श्रीमती शोभा चौधरी हमारे साथ। वक्त अब आपसे भी इजाजत लेने का है, दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को, देखते रहिए दूरदर्शन।